ऑफिशियल मैच आरंभ करा दीजिएगा। यहाँ पे सिक्किम वर्सेस महाराष्ट्र बहुत ही अच्छा मैच दर्शकों के बीच में देखने को मिलेगा। नॉकआउट के मैच यहाँ से जो भी टीम यहाँ से मैच विन करती है वो उसका मैच में कंटिन्यू प्रसन्न जा रहे है, और जो भी यहाँ से लूज करती है वो उसको टूर्नामेंट से बाहर कर उसको यहाँ से उसकी जर्नी जो है यहीं तक रहेगी। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिक्किम और महाराष्ट्र दोस्तों करता है, क्योंकि अगर हम पिछले भारतीय कबड्डी के इतिहास में जिन बहादुर खिलाड़ियों ने हमारा देश का गौरव बढ़ाया है उन खिलाड़ियों को सम्मान करना हमारा आयोजन कमिटी ने निर्णय किया है। मैं जिन खिलाड़ी का नाम घोषित करता हूं वो कृपया तुरंत मंच पर आने का कष्ट करें। सबसे पहले जय पद्मजा बालागारू, अपनी कबड्डी के इतिहास में जिन्होंने कबड्डी खिलाड़ी के रूप में प्रशिक्षक कोच के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली आंध्र कबड्डी एसोसिएशन से संबंध रखने वाली जय पद्मजा बाला, फार्मर तेलंगाना स्टेट टीम के कोच रह चुकी हैं पद्मजा बाला, कबड्डी क्रीडा రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పర్చుకొని క్రీడాకారిణిగా ఎన్నో విజయాలు అందించి తన శిక్షణలో ఎంతో మంది క్రీడాకారులను జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి అందించిన జె పద్మజా బాలా గారు దయచేసి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। జె పద్మజా బాలా గారు తెలంగాణ కబడ్డీ శిక్షకురాలిగా తమ అమూల్య సేవలు అందించారు, క్రీడాకారిణిగా కూడా కబడ్డీకి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు గౌరవాన్ని ఇన్మడింపజేసిన జె పద్మజా బాలా గారు ఎక్కడున్నా దయచేసి తొందరగా వేదికపైకి రావాలి। మై అనురోధ కర్తా హూ जयश्री स्वेन जी से, कृपया मंच पर पधारेगा, आपका हार्दिक स्वागत है। जयश्री स्वेन जी, आपका कबड्डी के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, हम आप पर गर्व करते हैं और आपका गौरव करते हैं, कृपया जयश्री स्वेन जी मंच पर आइएगा। पद्मजा बाला गारु मन तेलुगु राष्ट्राल कबड्डी क्रीडा రంగంలో తనకంటు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పర్చుకున్న మన తెలుగు పద్మజా బాలా గారికి ఒకసారి మీరంతా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలి। క్రీడాకారిణిగా ఎన్నో విజయాలు అందించి శిక్షకురాలిగా ఎంతో మందిని జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి అందించిన పద్మజా బాలా గారు, మహారాష్ట్ర ఆర్ సిక్కిం కే బీచ్ జయశ్రీ స్వేన్ జీకి ధన్యవాదాలు మేడం పద్మజా బాలా గారు। జయశ్రీ స్వేన్ జీ बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, भारतीय कबड्डी के इतिहास में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम आप पर गर्व करते हैं, आपका गौरव करते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है आज इस मंच की शोभा बढ़ा चुकी है और कबड्डी का गौरव बढ़ाया है आपने। जयश्री स्वेन जी, बहुत ही अच्छा मैच आपके सामने। मंगला देसाई जी, जिस तरीके से एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता में भारत के तिरंगे को फहराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली भारत माँ की संतान मंगला देसाई जी, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने बताया पिछला मुकाबला हमने महाराष्ट्र का देखा था, साउथ सेंट्रल रेलवे से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के लिए अपना प्रतिनिधित्व किया है, हमारे देश को स्वर्ण पदक दिलाया है मंगला देसाई जी। तेजस मारुति और बहुत अच्छा किया, दक्षिण मध्य रेलवे को प्रातिनिधित्व वहिस्तू भारत रेलवे जट्टू को जातीय अंतर्जातीय स्थाई लो पाल्गोनी मन देश गौरवानी इनमडिंपजेसिन मन भरतमाता ముద్దు బిడ్డ మంగళా దేశాయి గారికి చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలి। बहुत बहुत अभिनंदन है मंगला जी आपका। इस बार सिक्किम के रेडर जर्सी नंबर 22 और यहाँ पे महाराष्ट्र के जर्सी नंबर 12 अच्छा टोटल का प्रयास किया था, लंबा स्ट्रेच करके किक किया और कॉर्नर के प्लेयर को बहुत ही अच्छा किक करके पॉइंट अर्जित किया महाराष्ट्र के खिलाड़ी के द्वारा आकाश आकाश गुदेले। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला जी। अप्पा साहेब डलवी जी, अप्पा साहेब डलवी जी, चलिए सिक्किम के रेडर फिर से एक बार रेड के लिए तैयार लेफ्ट कॉर्नर पर। बहुत
बहुत ही बढ़िया डिफेंस हरियाणा उसका महाराष्ट्र का अप्पा साहेब गजवी जी कृपया मंच पर पधारिएगा। के खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखते हैं डैश कर दिए गए कवर के द्वारा बहुत ही अच्छा कवर यहाँ पे अप्पा साहेब दलवी जी तेजस मारुति का बहुत अभिनंदन है हमारे आयोजन कमेटी की ओर से। बिल्कुल मिड लाइन के पास से अनुरोध करता हूँ भारत के घर घर से कबड्डी से संबंध रखने वाले शिवम आयोजन के लिए बच्चा बच्चा जाने वाला अजय ठाकुर पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार विजेता अजय ठाकुर सिंगल हैंडल करके यहाँ से सिंगल पॉइंट अर्जित करते हुए अप्पा साहेब दलवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जर्सी नंबर 22 महाराष्ट्र के हाफ में सिक्किम के देखते किस तरीके से रेड करते हैं और यहाँ से हरियाणा के जो डिफेंस को भेजना बहुत ही मुश्किल हो चुका है यहाँ पे और बोनस की ट्राई करते हुए बिल्कुल इस बार बोनस की पद्मश्री अवार्ड ग्रहीता अर्जुन अवार्ड ग्रहीता भारत देशान की जाए अच्छा डिफेंस देखिए यहाँ पे टीम टीम वर्क जिसको बोल सकते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे और सुपर डेवर यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी किस तरीके से यहाँ से पॉइंट लेकर निकलते हैं और सिंगल बहुत ही लूज टैकल यहाँ पे सिक्किम के द्वारा और सिंगल पॉइंट यहाँ पे महाराष्ट्र को मिलता हुआ जर्सी नंबर 18 सिक्किम के राइडर टो टच करके पॉइंट हासिल करना चाहते हैं ऑल आउट की कगार पर सिक्किम देखते हैं रेडर के द्वारा कितना पॉइंट यहाँ से संजीवनी बोल सकते हैं हम यहाँ पे अगर रेडर यहाँ से पॉइंट निकालता है तो अपनी वो ऑल आउट को बचा सकता है सिक्किम देखते हैं रेडर के द्वारा कितना प्रयास किया जाता है और साइड में लंबा हैंड टच किया और बहुत ही अच्छा डिफेंस महाराष्ट्र के खिलाड़ियों द्वारा और देखिए पहले 3 मिनट में सिक्किम को फर्स्ट ऑल आउट दे दिया है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने और महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने इस मैच में शुरुआत की क्या मुझे लगता है कि एक बड़ा स्कोर यहां पर महाराष्ट्र खड़ा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए महाराष्ट्र के जर्सी नंबर 12 अच्छी रेड करते हुए और यहां पे बहुत अच्छा स्किप देखिए बहुत ही अच्छा टर्न किया यहां से और स्किप किया और मिड लाइन को इतनी आसानी से टच किया कि बीच से निकल गए यहाँ से और देखते हैं आकाश ने पिछले रेड में भी बहुत अच्छा रेड किया बहुत अच्छे रेडर है महाराष्ट्र के आकाश देखिए अच्छा स्ट्रेच है अच्छे स्किल्स के साथ इस मैच में खेल रहे हैं ना बल्कि आकाश पूरे महाराष्ट्र की टीम की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल और ये यहाँ पे सुपर से ऊपर है 4 पॉइंट यहाँ पे लेके गए हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी और जर्सी नंबर 22 सिक्किम के हरियाणा के महाराष्ट्र के पाले में और सेफ रेड करते हुए और जर्सी नंबर 1 महाराष्ट्र के लंबे कदकाठी के प्लेयर हैं फिर से रेड के लिए आए हैं आकाश और बार बार रेड कर रहे हैं और बॉल अच्छे रेडर हैं महाराष्ट्र की ओर से अपनी कदकाठी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इतने तेजी से देखिए इस बार 2 अंक की अपील वहां पर जी हाँ बिल्कुल 2 अंक प्राप्त किए बिल्कुल और बहुत अच्छा स्ट्रेच किया जंप किया और अपने आप को देखिए कितनी आसानी से वहां से निकाला बहुत ही बढ़िया काबिले तारीफ यहाँ पे करनी होगी महाराष्ट्र के प्लेयर की। सिक्किम की रेड जारी देखते हैं क्या करते हैं एक और दूसरे ऑल आउट के ऊपर खड़ा हुआ सिक्किम यहाँ से पॉइंट मिलता है तो फिर से संजीवनी लेके जाएंगे पर मुश्किल लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र का डिफेंस के प्लेयर यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव खड़े हुए हैं और बहुत ही तेज और तंदुरुस्त यहाँ पे महाराष्ट्र का डिफेंस देखते हैं सिक्किम के खिलाड़ी किस तरीके से बने मुश्किल लग रहा है और यहाँ पे वो ऑल आउट दूसरा ऑल आउट पहले 5 मिनट में सिक्किम को 2 ऑल आउट दे चुका है महाराष्ट्र का खिलाड़ी और जर्सी नंबर 11 दूसरा ऑल आउट 2 मिनट में पहला तो 3 मिनट में किया था और दूसरा ऑल आउट 5 मिनट में तो 2 मिनट में यहाँ पर ऑल आउट कर दिया और 11 नंबर के शिवम रेड के लिए तैयार जो बहुत अच्छा लेफ्ट लेग का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छा स्ट्रेच कर रहे हैं बहुत अच्छे रेडर्स हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के बिल्कुल बिल्कुल इस बार रेडर नंबर 4 को कोई मौका नहीं बहुत अच्छा डिफेंस वहां पर बिल्कुल जीत काबिले तारीफ यहाँ पे महाराष्ट्र के डिफेंस की हाईलाइट आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टीम वर्क यहाँ पर और जर्सी नंबर 1 महाराष्ट्र के लंबा स्ट्रेच किया हैंड टच की कोशिश और मुझे लगता है कि यहाँ कंफर्म हैंड टच बिल्कुल जी हाँ यहाँ पे सिंगल हैंड टच यहाँ पे लेके गए महाराष्ट्र के खिलाड़ी जर्सी नंबर 1 आकाश जब भी आते हैं पॉइंट लेकर ही जाते हैं महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र देखिए 21 और सिक्किम बिना खाता खोले 6 मिनट में 2 बार ऑल आउट हो चुका है सिक्किम
बिल्कुल ये भी काबिल तारीफ है यहाँ पे महाराष्ट्र के प्लेयर की, क्योंकि वहाँ पे डिफेंड का भी बिल्कुल बिल्कुल स्टिक, वहाँ पे वन को पता है कि बिल्कुल एक भी लूज पड़ नहीं देंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी डुबकी के साथ यहाँ पे मुझे लगता है अपनी टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला बहुत बढ़िया, वो भी डुबकी के साथ पानी में इतनी अच्छी डुबकी नहीं लगा रहे खिलाड़ी यहाँ पर कबड्डी के मैदान पे डुबकी लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल काबिले तारीफ यहाँ पे। और जर्सी नंबर बहुत लूज टैकल यहाँ पे सिक्किम के द्वारा और एक पॉइंट देते हुए महाराष्ट्र को। जर्सी नंबर 4 सिक्किम के रेडर तैयार, लेफ्ट कॉर्नर पर शुरुआत की उन्होंने। और इस बार देखिए टो टच करना चाहते हैं, बोनस पॉइंट हासिल करने की कोशिश, थोड़ा सा स्ट्रेच वहां पर, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। जिस प्रकार से डिफेंस है, कोई मौका यहां पर रेडर के लिए आसान नहीं होगा पॉइंट बनाने के लिए। बिल्कुल जिस तरीके का डिफेंस महाराष्ट्र खेल रहा है, मुश्किल नहीं नामुमकिन कर दिया है सिक्किम के खिलाड़ियों के लिए। और जर्सी नंबर 11 महाराष्ट्र के लंबे कद के खिलाड़ी और अच्छा शिवम शिवम। और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जिसको हम डबल थाई होल्ड काउंटर बोलते हैं, देखिए यहाँ पे देखने का मुजारा यहाँ पे मिल रहा है। और एक इजी पॉइंट यहाँ से लेके गए सिक्किम के खाते में, अभी भी एक ही पॉइंट है। और यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है सिक्किम के कोच के साथ, देखते हैं क्या किस स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं, एक किस अपने प्लेयर को क्या वो एक क्या मंत्र देते हैं कि वो उस मैच में फिर से वापसी करके अच्छा वो जो प्रदर्शन है वो करके दिखाए। लेकिन जिस हिसाब से महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने बिल्कुल 5 मिनट के अंदर 2 बार ऑल आउट कर दिया है सिक्किम को, और देखिए 7 मिनट के अंतराल में 3 खिलाड़ी सिक्किम के कोर्ट पे मौजूद है, तो ये भी एक तीसरे ऑल आउट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का खेल महाराष्ट्र दिखा रहा है ये मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से महाराष्ट्र खेल रहा है जर्सी नंबर 16 और महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिस तरीके से महाराष्ट्र खेल रहा है काबिले तारीफ है। देखते हैं उनका डिफेंड बिल्कुल कोई भी गलती नहीं कर रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट जो जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डिफेंस महाराष्ट्र का मतलब देखने को मिल रहा है जर्सी नंबर 12 महाराष्ट्र के। इस बार टैकल सुपर टैकल का मौका जरूर है सिक्किम के पास, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आकाश जो बहुत अच्छे रेडर है, देखिए कितनी पूर्ति के साथ यहाँ पर एक अपील जरूर की थी टच पॉइंट की, एम्पायर को अपील जरूर की है और फील्डर को भी कन्विंस करने की कोशिश करे, लेकिन एम्पायर ने यहाँ पर अपील को स्वीकारा, 1 अंक दिया महाराष्ट्र को। बिल्कुल युगवीर बहुत ही अच्छी रेड का मुजारा, देखिए युगवीर इसमें हम देख सकते हैं रेडर अपना काम कर रहे हैं, डिफेंडर अपना काम कर रहे हैं और टीम वर्क जो है वो बिल्कुल 100% अपना काम कर रही है। और एक जो स्कोर है उसको हम देख के बोलते हैं कि जिस तरीके से उनका एक टीम गेम वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे सिक्किम के प्लेयर को यहाँ से वापसी करना। आप सिक्किम के प्लेयर के बोनस अंक हासिल करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, और ये देखिए डिफेंस जैसे कि खेल रहे हैं वो खिलाड़ी के साथ। बिल्कुल महाराष्ट्र के डिफेंडर सिक्किम और यहाँ पे ऑल आउट 8 मिनट में तीसरा ऑल आउट यहाँ पे तीसरा बार ऑल आउट। देखिए पहला ऑल आउट हुआ था 3 मिनट में, दूसरा ऑल आउट हुआ था 5 मिनट में और तीसरा ऑल आउट हुआ है 8 मिनट में। अगर इसी प्रकार से ऑल आउट लगाते जाएंगे तो शायद आज ऑल आउट की यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है महाराष्ट्र सिक्किम के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है महाराष्ट्र के कोच के द्वारा और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वो एक अच्छा जो यहाँ पे स्कोर मार्जिन है उसको भी यहाँ से हाईलाइट करेगा बहुत अच्छे तरीके से। और 22 रेडर के द्वारा सिक्किम का रेडर महाराष्ट्र के हाथ में, देखते हैं किस तरीके से रेड करता है, बहुत अच्छा फुटवर्क है यहाँ पे और उतना ही अच्छा डिफेंस। लेकिन इस बार एक पॉइंट हासिल कर लिया है 3 अंक यहाँ पर, और फिर से रेड के लिए महाराष्ट्र के रेडर चेस नंबर 1 तेजस मारुति, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, देखिए राइट किक की कोशिश, अच्छा सा कोर्ट कवर कर रहे हैं, अच्छा ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, एक बार 2 टच करना चाहते थे। बिल्कुल बहुत ही अच्छी रेट बहुत ही अच्छा फुटबॉल देखने को मिल रहा है, किक्स बहुत ज्यादा स्किल्स हमारे सामने यहाँ पे हमारे बच्चों को सीखने को मिल रहे हैं कि भी बहुत अच्छा होल्ड कर रहे हैं मार्शल के खिलाड़ी, अच्छा किक कर रहे हैं, 2 टच कर रहे हैं। और जर्सी नंबर 22 एक ही रेडर है सिक्किम के पास जो यहाँ से बूंद बूंद से खड़ा पड़ने की कोशिश कर रहा है इस टाइम सिक्किम की, बहुत अच्छा मोमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पर डिफेंस उतना ही चुस्त और तंदुरुस्त महाराष्ट्र का
कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, अच्छा जहां पे उनको मौका मिलता है वहां पे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। इस बार महाराष्ट्र के आकाश रुदिले स्टार्ट राइट के लिए तैयार, लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए बिल्कुल, और राइडर्स बहुत अच्छी अटैकिंग के साथ, बहुत अच्छे इंप्रेसिव स्टाइल के साथ, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अपनी कोशिश में कोई कमी रख रहे हैं। महाराष्ट्र के हर खिलाड़ी बहुत ही अच्छे स्किल के साथ इस मैच में उतरा है। बिल्कुल यंगवीर, महाराष्ट्र का जो भी खिलाड़ी है बहुत ही अच्छा स्किल प्लेयर, और जैसे नंबर 16 यहां पे सिक्किम के रेडर देखते हैं किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के साथ यहां पे ऐड करते हैं, लंबे कद काठी के प्लेयर हैं, हैंड टच यूज करते हैं, किक यूज करते हैं, यहां से पॉइंट निकालना मुश्किल हो रहा है सिक्किम के, और बहुत अच्छी बोनस की ट्राई देखते हैं, निकाला उस स्पीड को नहीं, बोनस दे दिया गया है बहुत अच्छा, अब यहां से बोनस निकाल के जर्सी नंबर 11 महाराष्ट्र के शिवम। इस बार देखिए बिल्कुल राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक बहुत बढ़िया स्टेज वहां पर, और इस बार एंकल होल्ड करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, 3 पॉइंट 2 पॉइंट प्लस एक बोनस पॉइंट, बहुत ही यहां पे बोनस प्लस 2 पॉइंट यहां पे महाराष्ट्र को मिला बहुत अच्छा, और 22 जर्सी नंबर 22 सिक्किम के बोनस प्लस। जर्सी नंबर 22 सिक्किम के इकलौते ऐसे रेडर हैं जो कि यहां से पानी निकाल के लेके जा रहे हैं, और अच्छी कोशिश देखते हैं, निकाला गया उनकी अपील को, जितनी कोशिशें महाराष्ट्र की कामयाब हुई है बोनस लेने में, सिक्किम उतनी कोशिशें कामयाब नहीं कर पाया। फिर से देखिए आकाश तेजस मारुति एक अंक यहाँ पर प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। बिल्कुल देखिए आप जो हरियाणा महाराष्ट्र का जो डिफेंस है और ऑफेंस है दोनों साइड से वो बिल्कुल अटैकिंग मूड में खेल रहा है, कोई किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और एक वही एक टीम गेम होती है जहां पे उसको मैच में वापसी करेगा, और यहां पे उस अपील को नकारा और रेड रिकॉर्ड दिया गया यहां पे सिक्किम के। और जर्सी नंबर 1 महाराष्ट्र के तेजस मारुति, इनका नाम ही मारुति हो तो काम भी बिल्कुल मारुति की तरह कर रहे हैं, बहुत ही स्पीड के साथ रेड करते हैं, बहुत ही अटैकिंग मूड में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा डाइव किया और यहाँ पे होल्ड करके सुपर टैकल अर्जित किया सिक्किम के खिलाड़ियों ने। बिल्कुल है, इस प्रकार का खेल, इस प्रकार की मानसिकता पहले से होनी चाहिए थी सिक्किम की। देखिए आप बड़े मुकाबले में खेल रहे हैं, आपको बढ़ चढ़ कर खेलना होगा। इस बार सेफ रेड सिक्किम के राइडर द्वारा, फिर से एक बार जर्सी नंबर 11 शिवम आए हैं रेड के लिए, 2-2 की चेन, 4 का मुकाबला 1 से। बिल्कुल ये बहुत ही टफ सिचुएशन रहती है, पर की किया बैक की किया और सिंगल हैंड यहां से सिंगल बहुत ही इजी वे में पॉइंट ले जाते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी। जर्सी नंबर 16 सिक्किम के रेडर रेड के लिए तैयार, बोनस पॉइंट की तलाश में, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का डिफेंस है कोई मौका दे नहीं रहे वो सिक्किम के रेडर्स को। इस बार देखिए दपोज ही लिया, बहुत अच्छा टीम वर्क वहां पे, बैक होल्ड किया और पूरी टीम जैसे रेडर के ऊपर टूट पड़ी है। बिल्कुल ये काबिले तारीफ है यहां पे। और जर्सी नंबर 12 महाराष्ट्र के सुपर टैकल की पोजीशन ऑन है, देखते हैं किस तरीके से, और देखिए एक मजाक सा हो गया है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के लिए सिक्किम के साथ खेलना, बहुत इजी तरीके से पानी निकाल रहे हैं, बहुत ये चौथी बार ऑल आउट, 3 मिनट में एक बार, 5 मिनट में एक बार, 8 मिनट में एक बार और 14 मिनट में एक बार, फर्स्ट हाफ में 4 बार ऑल आउट कर चुकी है महाराष्ट्र की टीम सिक्किम को। इस बार सिक्किम के रेडर लेफ्ट किक मारकर पॉइंट बनाने की कोशिश, टच पॉइंट की अपील जरूर, देखना है एम्पायर से स्वीकारेंगे क्या नहीं, 1 पॉइंट यहां पर मिला सिक्किम को। बिल्कुल जर्सी नंबर 1 शिव तेजस मारुति मारुति बहुत ही अच्छे एक इफेक्टिव रेडर है महाराष्ट्र के, इन्होंने हर रेड में यहां से पॉइंट निकाला है और बहुत ही बढ़िया बोनस की ट्राई की है, अब देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया, और यहां पे बहुत ही बढ़िया बैक होल्ड। जब भी कोई टीम वर्क करती है तो रेडर के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर 1-2 खिलाड़ी टैकल करने की कोशिश करते हैं, एंकल होल्ड करते हैं या डबल होल्ड करने की कोशिश, अगर 1-2 डिफेंडर करते हैं तो मुश्किल होता है। देखिए इस बार 16 नंबर की जैसे कि रेडर सिक्किम की ओर से रेड के लिए तैयार, लेफ्ट कॉर्नर पर जा रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया, देखिए इसको बोलते हैं टीम गेम। देखिए बिल्कुल राइट कवर और लेफ्ट कवर बिल्कुल एक साथ आया और रेडर को जकड़ लिया दोनों ने बिल्कुल, तो टच कर वो जैसे ही पलटना चाहते थे देखिए बिल्कुल 11 नंबर के रेडर शिवम रेड के फिर से एक बार तैयार। महाराष्ट्र 41 और सिक्किम 8 अंक बनाकर खेल रहा है और ये पहले ही हाफ में बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन यहां पे किया है महाराष्ट्र ने, सिक्किम को जैसे बांध के रखा है बिल्कुल योगीवीर। और फिर से जर्सी नंबर 22 सिक्किम के खिलाड़ी महाराष्ट्र के हाफ में, देखते हैं किस तरीके से खेलते हैं क्योंकि यहां से एक अच्छी रेड करनी पड़ेगी तभी उनको यहां से मैच में वापसी कर सकते हैं अपनी। 47 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 का ये मुकाबला हम देख रहे हैं महाराष्ट्र वर्सेस सिक्किम के बीच में टैकल करने की कोशिश, एक पॉइंट यहां पर अच्छा परस्यू किया और एक पॉइंट अर्जित किया महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने। ऑफिशियल टाइम और कुछ वार्निंग देंगे, देखिए इस सिचुएशन में अगर अंपायर के साथ कोई खिलाड़ी उलझता है उसके डिसीजन को और वो चैलेंज करता है तो अंपायर के बाद एक निर्णय होता है कि उसको बुला के आप कार्ड दिखा सकते हैं या वार्निंग दे सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम उससे वैसी गलती ना करे। लेकिन ये एक तरफा मैच जिस प्रकार से हम देख रहे हैं शुरू, देखिए यहाँ पर कोई असर डालने में नाकामयाब हो रहे हैं सिक्किम के रेडर्स, जितने भी रेड उन्होंने किए वो बहुत ही ना काफी है इस मुकाबले के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र का राजसी नंबर 9 उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, उनकी मूवमेंट देखिए, उनकी काबिले तारीफ है फुटवर्क देखिए और इजी तरीके से पॉइंट निकले जा रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल लगता है 2 पॉइंट यहाँ से आसानी से 2 पॉइंट, जी हाँ 2 पॉइंट लेके गए हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी और बहुत ही बड़ा मार्जिन यहाँ पे हम देख रहे हैं। जर्सी नंबर 10 रेडर सिक्किम, जर्सी नंबर 18 सिक्किम के रेडर और इस बार एंकल होल्ड किया लेकिन अपने आप को छुटाने में कामयाब रहे सिक्किम के खिलाड़ी, एक पॉइंट यहाँ पर लेकर जाएंगे और तेजस मारुति राइट के लिए तैयार। ये बहुत अच्छे रेडर है महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल, ये मारुति बहुत ही अच्छे रेडर हैं, उन्होंने हर एक रेड में अपने आप को पॉइंट अर्जित किया है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र का नाम अपना नाम और देश का नाम इस तरीके से मारुति खेल रहे हैं और अगर कंटिन्यू वैसे ही चलते रहे तो एक बहुत अच्छे रेडर यहाँ से निकलेंगे। और टाइम आउट, यहाँ पे टाइम आउट लिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, अब यहाँ पे महाराष्ट्र के जो जितना बड़ा वो मार्जिन लेके यहाँ से रहा तो कुछ जो उनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर है उनको उनका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इसमें क्योंकि ये रहता है कोच की स्ट्रेटजी रहती है, जो उनके बेंच प्लेयर होते हैं उनको भी अगर अच्छा उनके पास मार्जिन अच्छा है तो वहाँ पे उनको प्लेयर को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि ये खेल में कभी भी कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है, अगर उस स्थिति में आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए और वो भी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए और इस मुकाबले में ऐसे मुकाबले में जब आपके पास लीड ज्यादा है तो आप युवा खिलाड़ियों को जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको मौका दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर टैकल की पोजीशन ऑन है और लंबा हैंडेज और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा स्किल यूज किया, हैंडेज किया उसके साथ डुबकी का इस्तेमाल करते एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे अर्जित किया महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने और जर्सी नंबर 16 सिक्किम के रेडर उतने प्रभावित नहीं कर पाए सिक्किम की पूरी टीम इस मुकाबले में, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल नाकामयाब, बड़ा मुकाबला नॉकआउट मुकाबला अगर आप हारते हैं तो। यहाँ पे देखिए बिल्कुल टीम वर्क, 9 नंबर के जर्सी सुरेश ने एंकल को होल्ड किया और राइट कवर लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर बिल्कुल खिलाड़ी के ऊपर गिरे और उसे हिलने का मौका नहीं दिया बिल्कुल बिल्कुल। और हाफ टाइम की बिजली यहाँ पे लगती हुई और बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे महाराष्ट्र इस मैच में बढ़त बनाए हुए। पहले हाफ में अब पिछला मुकाबला हमने देखा था कि एक टीम ने 50 अंक बनाए थे लेकिन इस मैच में पहले ही हाफ में 49 अंक बनाकर महाराष्ट्र बहुत ही अच्छी स्थिति में, इसे अच्छी स्थिति कहेंगे या बहुत ही मजबूत स्थिति, चलिए हाइलाइट्स हम देखते हैं। इस बार देखिए सिक्किम के खिलाड़ी को कैसे दबोच लिया है, बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर, डिफेंडर्स हर
चाहे वो राइट कॉर्नर हो लेफ्ट कॉर्नर हो, बहुत अच्छा टीम वर्क यहाँ पर किया है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने। बिल्कुल यहाँ पे देखिए कितना अच्छा टर्न किया, स्केप किया अपने आपको, यहाँ पे चार पॉइंट लेके गए थे महाराष्ट्र के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी सुपर से ऊपर रेड ये मैच ऑफ द। देखिए यहाँ पे कितना स्किलफुल यहाँ पे महाराष्ट्र के खिलाड़ी यूज कर रहे हैं, फुल हर हर एक स्किल को यूज कर रहे हैं, हर एक मूवमेंट को, और जो उनका टीम कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी डुबकी एक शिकी के प्लेयर के द्वारा मारी गई थी, और जो और देखिए यहाँ किस तरीके से डैश कर दिए गए थे, बहुत ही बढ़िया महाराष्ट्र के खिलाड़ी, और एक लूज टैकल महाराष्ट्र के खिलाड़ी द्वारा किया गया था, बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड यहाँ पे महाराष्ट्र के खिलाड़ी के द्वारा, और बिल्कुल दर्शकों से भरी हुई लॉबी इस क्षेत्र में सूर्यापेट में पहली बार इतना अच्छा इतना शानदार 47 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कराया जा रहा है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया एसपी पुलिस कमिश्नर ऑफिस सूर्यापेट के ग्राउंड पे कराया जा रहा है। भव्य, हम इसे भव्य टूर्नामेंट कहेंगे, क्योंकि जितनी खूबसूरती से जितने ही प्यारे अंदाज से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, नेशनल टूर्नामेंट को इंटरनेशनल लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल ये काबिले तारीफ करनी होगी यहाँ के एसोसिएशन की और फेडरेशन ऑफ इंडिया एमचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस नेशनल को ऑर्गेनाइज करवाया है, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज बच्चों को मिल रही है, और यहाँ पे देखिए दर्शक यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने दर्शक यहाँ पे बैठे हुए प्लेयर बैठे हुए, और ये काबिले तारीफ है, ये देखिए हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए ये काबिले तारीफ बनती है, और दर्शकों में उत्साह देखते ही बनता है इस मैच को। चलिए फिर से एक बार लाइव एक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं, महाराष्ट्र वर्सेस सिक्किम का यह मुकाबला, महाराष्ट्र के पास बहुत बड़ी लीड 48 अंक बनाकर महाराष्ट्र खेल रहा है, हालांकि सिक्किम सिर्फ 9 अंक बनाकर खेल रहा है, बहुत पिछड़ा हुआ यहाँ पर सिक्किम का खेल रहा है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने शुरुआती दौर से ही डॉमिनेट किया है। सिक्किम की रेड चेस्ट नंबर 14 रेड के लिए तैयार, महाराष्ट्र 48, और बहुत अच्छा टैकल यहां पर, बहुत अच्छा टीम वर्क, बहुत अच्छा डिफेंस महाराष्ट्र के खिलाड़ी द्वारा, टच पॉइंट लेकर निकलना चाहते थे और उसको टैकल किया महाराष्ट्र का, बहुत बढ़िया डिफेंस 51-51 यहां पर स्कोर हुआ है महाराष्ट्र का, और सिक्किम देखिए मात्र 9 अंक बनाकर यहां पर बहुत ही पीछे, अंक तालिका में बहुत ही पीछे रह गया है सिक्किम। सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई है और फर्स्ट हाफ में महाराष्ट्र ने सिक्किम को 4 बार ऑल आउट किया है, यह नॉकआउट मुकाबला खेला जा रहा है 47 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 सूर्यापेट तेलंगाना से, लाइव आप देख रहे हैं जर्सी नंबर 3 राहुल इस बार जर्सी नंबर 22 सिक्किम के राइडर बिल्कुल लॉबी के बाहर जाते जाते संभाल अपने आप को, बहुत अच्छा कोर्ट का कवर कर रहे हैं राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर, और इस बार टू टच करना चाहते थे, बोनस पॉइंट लेकर वापस जाना चाहते थे, देखना एम्पायर के निर्णय का इंतजार रहेगा कि कितने पॉइंट्स इस रेड में मिले हैं। रिप्ले में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन 22 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने कमाल ही कर दिया इस रेड में। फिर से एक बार तेजस मारुतियां हैं, शुभम आए हैं,
रेड के लिए और टच पॉइंट की अपील वहां पर, एक टच पॉइंट मिलेगा और इसी के साथ अंक देखिए महाराष्ट्र को काफी बढ़त इस मुकाबले में। यह नॉकआउट मुकाबला खेला जा रहा है जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। जर्सी नंबर 4 रेड के लिए तैयार, टो टच करना चाहते थे वहां पर, जर्सी नंबर 4 आदित्य आए हैं इस बार रेडिंग के लिए। ऑलराउंडर्स सजीवी टीम महाराष्ट्र की, इस बार टो टच करके अंकल टच करने की कोशिश वहां पर, इस बार बैक होल्ड किया। देखिए कितना अच्छा टीम वर्क है यहां पर सिक्किम का, बोनस और एक पॉइंट। फिफ्टी थ्री महाराष्ट्र, 14 सिक्किम, और ये सुपर टैकल का मौका महाराष्ट्र ने जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा टीम वर्क वहां पर, दो अंक मिलेंगे महाराष्ट्र को। देखिए जैसे ही टो टच करना चाहते थे एंगल को होल्ड किया और दोनों खिलाड़ियों ने जकड़ लिया उसे। फिर से एक बार दो अंक मिले महाराष्ट्र को, जर्सी नंबर 18 बाकी की कोशिश वहां पर। तेजस मारुति आए हैं, शुभम रेड के लिए तैयार, तो टच करना चाहते थे, लॉन्ग स्ट्रेच किया, टच पॉइंट की कोशिश। बिल्कुल जब खिलाड़ी कम होते हैं तो रेडर को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है पॉइंट लेने के लिए। छह का मुकाबला एक खिलाड़ी के साथ, दो दो की चेन बनाकर रेडर को रोकने की कोशिश यहां पर। बहुत अच्छा डिफेंस, जैसे ही टो टच करने की कोशिश की एंगल होल्ड किया और देखिए राइट कवर राइट कॉर्नर से दौड़कर अच्छा सा डैश किया, लॉबी के बाहर फेंका उसे। फिर से एक बार रेड के लिए तैयार तेजस मारुति, सुपर टैकल का मौका यहां पर सिक्किम के लिए। उतना आसान नहीं होगा, बहुत अच्छे रेडर है तेजस। समय किल करने की कोशिश, थोड़ा सा समय निकाल रहे क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़त है यहां पर महाराष्ट्र को अंकों में। जर्सी नंबर 18 बहुत अच्छी रेड कर रहे हैं और इस बार सेफ रेड, इरादा यही है कि खिलाड़ी को बुलाए और सुपर टैकल करे। देखिए जर्सी नंबर 14 जर्सी नंबर 10 लेफ्ट और राइट कॉर्नर में खिलाड़ी लेफ्ट साइड में एंकल होल्ड करने की कोशिश लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। बहुत अच्छे रेडर है आदित्य, इस बार अंक लेकर अपने पाले में जाते हुए अपने आप को बचाया, अपने आप को रोल किया। इस बार आसानी से, बिल्कुल आसानी से उमेश ने रेडर को आगे से कमेंट्री बॉक्स में छोटा सा परिवर्तन, पंकज की जगह आए हैं शोएब तेलुगु कमेंटेटर, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू हयुधीर। महाराष्ट्र 63 और सिक्किम 14 अंक, सेकेंड हाफ जारी है। सिक्किम के रेडर बोनस अंक की कोशिश यहां पर, फिर से एक बार टच पॉइंट की भी कोशिश, हर कोशिश कर रहे हैं सिक्किम के रेडर। लंबा सा स्ट्रेच वहां पर, कोई अंक नहीं, सेफ रेड।
जर्सी नंबर 3 राहुल आए हैं रेड के लिए। बहुत अच्छा अटैकिंग है महाराष्ट्र का, जितना अच्छा उनका डिफेंस है उतने अच्छा अटैकिंग। और इस बार बोनस अंक देखना है एम्पायर के इशारे का, इंतजार रहेगा। 2 पॉइंट यहां पर, जी हाँ, बोनस अंक से तो दूर रहे लेकिन 2 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने सिक्किम के रेडर। और बहुत है आसानी से शोएब, एफर्ट देखिए आप, टीम एफर्ट की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। जी हाँ बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस प्रकार से टीम एफर्ट अगर जब हम देखने को मिलता है तो इसी प्रकार के रिजल्ट आते हैं, देखना होगा। महाराष्ट्र एक मजबूत स्थिति पर खेल रही है, 66 पॉइंट्स 66 पॉइंट्स लेकर, और साथ ही साथ सिक्किम पूरी तरह से प्रेशर में, हालांकि सेकंड हाफ मैदान पर जारी। 67-14 काफी लंबा वेरिएशन, लगभग 53 पॉइंट्स आगे रह चुकी है महाराष्ट्र, एक मजबूत स्थिति पर खेल रही है युद्धवीर। बिल्कुल शोएब, जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने पहले ही हाफ में 15 मिनट के अंदर ही सिक्किम को 4 बार ऑल आउट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ वो अंक बना रहा है इस मुकाबले में, नॉकआउट मुकाबले में, बड़ा मुकाबला। 47th जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप सूर्यापेट तेलंगाना। इस बार देखिए बहुत ही आसानी के साथ, बहुत अच्छा टीम वर्क। Yes, definitely. काफी अच्छी प्रदर्शन यहाँ पर महाराष्ट्र का, और इसी के साथ फिर से एक बार राइडर को पूरी तरह से बांध कर रखने में कामयाब बैकहोल्ड द्वारा राहुल। बहुत अच्छी रेड कर रहे हैं, इस बार टच पॉइंट लेकर जाएंगे राहुल, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी थे, उतनी मुश्किल राहुल को करनी नहीं पड़ी। और जर्सी नंबर 10 रेड के लिए तैयार सिक्किम के खिलाड़ी। और यहाँ पे सिक्किम के आखिरी खिलाड़ी ये अली जी, जिस प्रकार से पुश किया था लॉबी के बाहर और साथ साथ ऑल आउट, 3 पॉइंट यहां पर ना बल्कि पुश किया था, 5वीं बार ऑल आउट किया है महाराष्ट्र ने। जैसे नंबर 3 रेडर की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छा टीम वर्क वहां पर, राहुल को इस बार कोई मौका नहीं दिया सिक्किम के डिफेंडर्स ने। बहुत अच्छा डिफेंस, छलांग लगाना चाहते थे युद्ध वहां पर, लेकिन काफी अच्छा डबल थाई होल्ड इस बार लॉन्ग वी के बाहर तो पुश किया है, अच्छा सा डैश। एक पॉइंट मिलेगा, रेडर को समझने का मौका ही नहीं दिया वहां पर। जर्सी नंबर 4 आदित्य रेडिंग के लिए तैयार, बहुत अच्छा स्ट्रेच वहां पर, हालांकि एक अच्छा प्रदर्शन अभी तक महाराष्ट्र द्वारा। एब्सोल्युटली जैम पैक्ड स्टेडियम, साथ ही साथ फिर से एक बार सिक्किम के राइडर जर्सी नंबर 20 फिर से एक बार लंबा सा स्ट्रेच, अपनी अच्छी काठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्पायर से अपील जरूरी थी लेकिन कोई अंक नहीं, महाराष्ट्र के पास बहुत बड़ी भारत, 73 अंक बनाकर खेल रहा है महाराष्ट्र। यस जी हाँ, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जी रमेश साहब, फिर से एक बार सिक्किम के रेडर, और इस बार बोनस अंक की कोशिश। जी हाँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं बीबीडीआर के मैनेजिंग डायरेक्टर ओरसुल रमेश, इनका सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल श्रेय तो जाता है, जब आप इतना अच्छा और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको बिल्कुल श्रेय जाता है, और ऐसी तारीफ करनी चाहिए, इतनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया गया। और शोएब, जब बहुत से लोगों की मेहनत लगती है तभी इतना बड़ा टूर्नामेंट सक्सेस होता है। जी हाँ युद्धवीर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस एंटायर टूर्नामेंट के कर्ता कर्मा क्रिया रहे मिनिस्टर जी जगदीश्वर रेड्डी साहब, एनर्जी मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट। और यहाँ पर काफी अच्छा थाई होल्ड, सुपर टैकल की कोशिश लेकिन होने नहीं देंगे,
दौड़ा दौड़ा कर अंक बना रहे हैं, भाग भाग कर। इसी के साथ चार पॉइंट यहां पर मिलेंगे उन्हें, दो पॉइंट तो खिलाड़ियों को आउट करने के लिए और दो पॉइंट ऑल आउट के लिए। ऑल आउट जरूर हो रहे, चार पॉइंट यहां पर ऐड होते हैं, 81 और 15। काफी लंबा वेरिएशन यहां पर दोनों के बीच जिस प्रकार से, और यहां पर छलांग लगाकर फिर से एक बार आगे निकलने की कोशिश, और इस बार सफल हुई। आगे से आके होल्ड करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल मिड लाइन के पास थे, उतना आसान नहीं था। जर्सी नंबर 3 राहुल, जी हाँ राहुल आए हैं राइड करने के लिए, और इसके साथ राहुल राइट कॉर्नर पर फिर से एक बार भरपूर प्रयास, और साथ ही साथ एक पॉइंट ले जाते हुए राहुल। और इसी के साथ छलांग जरूर लगाई थी मिड कोर्ट करने जाने की कोशिश, बहुत अच्छा टीम वर्क वहां पर, एम्पायर के निर्णय का इंतजार रहेगा क्योंकि करीबी मामला था ये, बहुत ही मिड लाइन के पास। देखिए ऊपर से छलांग मारकर निकलने की कोशिश की थी राइडर ने, हालांकि काफी समय था युद्ध वहां पर, लेकिन इतने में यही गैप में लिपट गया पूरी तरह से चीन। जर्सी नंबर 4 आदित्य राइडर रेड के लिए तैयार, इस बार हल्की सी किक, बिल्कुल ऐसा लगा है कि टच पॉइंट मिल चुका है उन्हें। जी हाँ, एक टच पॉइंट लेकर वापस जाते हुए, जी हाँ महाराष्ट्र को एक पॉइंट जरूर मिलता हुआ। महाराष्ट्र का हर खिलाड़ी जब राइड के लिए जाता है तो साथ ही साथ एक पॉइंट लेकर ही वापस जाता है। इस बार अच्छा सा टैकल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा स्कोर 100 अंक इस मुकाबले में बनाएगा। देखना है कि क्या टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर होगा, महाराष्ट्र इस मुकाबले में बना भी सकता है जिस प्रकार से वो खेल रहा है। जी हाँ, 47 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप एट सूर्यापेट तेलंगाना स्टेट गुंतकंडला सावित्रम्मा मेमोरियल। 47 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप एक महान टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यहां पर मेंटेन करते हुए बहुत अच्छा स्टेज वहां पर, कोशिश तो जारी है सिक्किम के खिलाड़ी के पास। देखिए चारों खाने छीत कर दिया है महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने, बिल्कुल टीम वर्क वहां पर, दौड़ दौड़ कर पॉइंट बनाना चाहते थे। राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक भी कोशिश की उन्होंने लेकिन कोई मौका नहीं। जी हाँ, पिछले जो राइड हो चुका था और राइट में जिस प्रकार से टैकल कर चुके थे और सिचुएशन में रेफरी भी वहां पर कुछ नजर, तो फिर से एक बार यहां पर देखनी चाहिए। जी हाँ, लिपट दिया टीम, आसानी से टैकल किया यहां पर, बहुत अच्छा टीम वर्क, बहुत अच्छा डिफेंस महाराष्ट्र का। राइट कवर लेफ्ट कवर जल्दी एक्शन में आता है, बहुत जल्दी एक्शन में आता है 88 अंक बनाकर। जी हाँ, और इसी के साथ मैच समाप्त होता हुआ फुल टाइम, और महाराष्ट्र 88 और सिक्किम 17 पॉइंट लेकर काफी वेरिएशन यहां पर, और इसी के साथ मैच जीत हासिल करते हुए महाराष्ट्र टीम, कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल बधाई के हकदार जरूर है क्योंकि जिस प्रकार का खेल उन्होंने दिखाया इस मैच में, उनसे उम्मीदें बनी है, और महाराष्ट्र से बहुत नामी गिरामी कबड्डी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल के लिए अपना योगदान दिया है, तो बहुत बड़ी उम्मीद यहां पर महाराष्ट्र से होगी इस टूर्नामेंट में। हालांकि साई की टीम का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, चलिए फिर से एक बार महाराष्ट्र को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। यस, महाराष्ट्र वन द मैच।